हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद जीनत। आज मैं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अपने फ्रेंड्सों को शेयर करें। आज हम करेंगे मॉडल वर्ब का कैन। कैन यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ कैन इन हिंदी। कैन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? कैन सकना, सामर्थ्य क्षमता का बोध कराने के लिए। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में सकता हूँ, सकते हैं या सकते हो, सकता है या सकती है इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद कैन में होगा। क्या? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में सकता हूँ, सकते हैं, सकता हो या सकता है सकती हैं रहे इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद कैन में होगा। सभी सब्जेक्ट के साथ कैन का प्रयोग किया जाता है। ही, शी, इट, राम, श्याम, नेहा, सीमा, ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं। अब हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, कैन का प्रयोग सीखें। जैसे आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश। सेकंड इज आई कैन नॉट रीड इंग्लिश, आई कैन नॉट रीड इंग्लिश। कैन आई रीड इंग्लिश? इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड सिंपल सेंटेंस में हाउ कैन आई रीड इंग्लिश। अब देखते हैं कैसे यूज़ होगा इसका। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, पर्सनल पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश। प्लूरल, हम लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, वी कैन रीड इंग्लिश। सेकेंड पर्सन, आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड इंग्लिश। प्लूरल, आप लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड इंग्लिश। थर्ड पर्सन, वे या राम अंग्रेजी पढ़ सकता है, ही, शी, इट, राम कैन रीड इंग्लिश। वे लोग या लड़के अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, दे द बॉयज कैन रीड इंग्लिश। फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ या आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, यह हमें इस तरह से यूज़ करना है। मैंने कुछ सेंटेंसेस भी लिए हैं। वे ये काम कर सकता है, ही कैन डू दिस वर्क। वे ये काम कर सकता है, ही कैन डू दिस वर्क। सेकंड इज मैं फ्रेंच लिख सकता हूँ, आई कैन राइट फ्रेंच। मैं फ्रेंच लिख सकता हूँ, आई कैन राइट फ्रेंच। थर्ड इज तुम उसे हरा सकते हो, यू कैन डिफीट हिम। तुम उसे हरा सकते हो, यू कैन डिफीट हिम। फोर्थ इज वे तालाब में तैर सकती है, सी कैन स्विम इन द पॉन्ड। तालाब को इंग्लिश में पॉन्ड कहते हैं। वे तालाब में तैर सकती है, सी कैन स्विम इन द पॉन्ड। फिफ्थ इज वे अभिनेता हो सकता है, ही कैन बी एन एक्टर। वे अभिनेता हो सकता है, ही कैन बी एन एक्टर। सिक्स्थ इज मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, रन दौड़ना। सेवन्थ इज हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू। हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू। एट्थ इज तुम देख सकते हो, यू कैन सी। तुम देख सकते हो, यू कैन सी। नाइन्थ इज तुम लोग अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो, यू कैन बी गुड प्लेयर्स। तुम लोग अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो, यू कैन बी गुड प्लेयर्स, खिलाड़ी प्लेयर्स। टेंथ इज मैं महान बन सकता हूँ, आई कैन बी ग्रेट। महान बनना ग्रेट, इंग्लिश में ग्रेट। मैं महान बन सकता हूँ, आई कैन बी ग्रेट। अब निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे कैन का। देख लेते हैं कैसे यूज़ होगा। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंसेस ले लिए। फर्स्ट सेंटेंस इज वे ये काम नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट डू दिस वर्क। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। ही कैन नॉट डू दिस वर्क, वे ये काम नहीं कर सकता। सेकेंड इज मैं फ्रेंच नहीं लिख सकता हूँ, आई कैन नॉट राइट फ्रेंच। मैं फ्रेंच नहीं लिख सकता हूँ, आई कैन नॉट राइट फ्रेंच। थर्ड इज
तुम उसे नहीं हरा सकते हो। यू कैन नॉट डिफीट हिम। तुम उसे नहीं हरा सकते हो। यू कैन नॉट डिफीट हिम। हराना डिफीट। फोर्थ इज, वे तालाब में नहीं तैर सकती है। सी कैन नॉट स्विम इन द पोंड। तैरना स्विम। वे तालाब में नहीं तैर सकती है। सी कैन नॉट स्विम इन द पोंड। फिफ्थ इज, वे अभिनेता नहीं हो सकता है। ही कैन नॉट बी एन एक्टर। वे अभिनेता नहीं हो सकता है। ही कैन नॉट बी एन एक्टर। सिक्स्थ इज, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ। आई कैन नॉट रन। मैं दौड़ नहीं सकता हूँ। आई कैन नॉट रन। सेवन्थ इज, हम लोग आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट हेल्प यू। हम लोग आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट हेल्प यू। एट्थ इज, तुम देख नहीं सकते हो। यू कैन नॉट सी। तुम देख नहीं सकते हो। यू कैन नॉट सी। नाइन्थ इज, तुम लोग अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते हो। यू कैन नॉट बी गुड प्लेयर्स। तुम लोग अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते हो। यू कैन नॉट बी गुड प्लेयर्स। टेंथ इज, मैं महान नहीं बन सकता हूँ। आई कैन नॉट बी ग्रेट। मैं महान नहीं बन सकता हूँ। आई कैन नॉट बी ग्रेट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे कैन का। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या वे ये काम कर सकता है। कैन ही डू दिस वर्क। क्या वे ये काम कर सकता है। कैन ही डू दिस वर्क। सबसे पहले सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ही कैन। कैन ही डू दिस वर्क। सेकेंड इज, क्या मैं फ्रेंच लिख सकता हूँ। कैन आई राइट फ्रेंच। क्या मैं फ्रेंच लिख सकता हूँ। कैन आई राइट फ्रेंच। फॉर दिस, क्या तुम उसे हरा सकते हो। कैन यू डिफीट हिम। क्या तुम उसे हरा सकते हो। कैन यू डिफीट हिम। फॉर दिस, क्या वे तालाब में तैर सकती है। कैन शी स्विम इन द पोंड। क्या वे तालाब में तैर सकती है। कैन शी स्विम इन द पोंड। फिफ्थ इज, क्या वे अभिनेता हो सकता है। कैन ही बी एन एक्टर। क्या वे अभिनेता हो सकता है। कैन ही बी एन एक्टर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैन आएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंसेस है, क्या मैं दौड़ नहीं सकता हूँ। कैन आई नॉट रन। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई, कैन आई नॉट रन। सेवन्थ इज, क्या हम लोग आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। कैन वी नॉट हेल्प यू। क्या आप हम लोग आपकी मदद कर नहीं कर सकते हैं। कैन वी नॉट हेल्प यू। एट्थ इज, क्या तुम देख नहीं सकते हो। कैन यू नॉट सी। क्या तुम देख नहीं सकते हो। कैन यू नॉट सी। नाइन्थ इज, क्या तुम लोग अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते हो। कैन यू नॉट बी गुड प्लेयर्स। क्या तुम लोग अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते हो। कैन यू नॉट बी गुड प्लेयर्स। टेंथ इज, क्या मैं महान नहीं बन सकता हूँ। कैन आई नॉट बी ग्रेट। क्या मैं महान नहीं बन सकता हूँ। कैन आई नॉट बी ग्रेट। अब हम डबल एच फैमिली में यूज़ करेंगे कैन का। वैन वाई हाउ एक्सेट्रा का प्रयोग। वैन वाई हाउ प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली यूज़ होगी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज, वे ये काम कैसे कर सकता है। हाउ कैन ही डू दिस वर्क। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। हाउ कैन ही डू दिस वर्क। वे ये काम कैसे कर सकता है। हाउ कैन ही डू दिस वर्क। सेकेंड इज, मैं फ्रेंच क्यों लिख सकता हूँ। वाई कैन आई राइट फ्रेंच। मैं फ्रेंच क्यों लिख सकता हूँ। वाई कैन आई राइट फ्रेंच। थर्ड इज, तुम उसे कैसे हरा सकते हो। हाउ कैन यू डिफीट हिम। तुम उसे कैसे हरा सकते हो। हाउ कैन यू डिफीट हिम। फोर्थ इज, वे तालाब में कब तैर सकती है। वैन कैन शी स्विम इन द पोंड। वे तालाब में कब तैर सकती है। When can she swim in the pond? वे तालाब में कब तैर सकती है। When can she swim in the pond? Fifth is, वे अभिनेता क्यों हो सकता है। Why can he be an actor? वे अभिनेता क्यों हो सकता है। Why can he be an
एक्टर. अब हम WH फैमिली को निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे. वैन वाई हाउ एक्सेक्टर का प्रयोग. वैन वाई हाउ प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद सीधा निगेटिव यूज़ होगा नॉट. अब देख लेते हैं मैं दौड़ क्यों नहीं सकता हूँ. सबसे पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट. वाई कैन आई नॉट रन. मैं दौड़ क्यों नहीं सकता हूँ. वाई कैन आई नॉट रन. सेवंथ इज हम लोग आपकी मदद कैसे नहीं कर सकते हैं. हाउ कैन वी नॉट हेल्प यू. हम लोग आपकी मदद कैसे नहीं कर सकते हैं. हाउ कैन वी नॉट हेल्प यू. एट्थ इज तुम देख क्यों नहीं सकते हो. वाई कैन यू नॉट सी. तुम देख क्यों नहीं सकते हो. वाई कैन यू नॉट सी. नाइन्थ इज तुम लोग अच्छे खिलाड़ी क्यों नहीं बन सकते. वाई कैन यू नॉट बी गुड प्लेयर्स. तुम लोग अच्छे खिलाड़ी क्यों नहीं बन सकते हो. वाई कैन यू नॉट बी गुड प्लेयर्स. वाई कैन नॉट बी गुड प्लेयर्स. टेंथ इज मैं महान कैसे नहीं बन सकता हूँ. हाउ कैन आई नॉट बी ग्रेट. मैं महान कैसे नहीं बन सकता हूँ. हाउ कैन आई नॉट बी ग्रेट. नीड टू. नीड टू ज़रूरत है या आवश्यकता है. नीड टू का यूज़ होता है ज़रूरत के लिए या आवश्यकता. सभी जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ज़रूरत है या आवश्यकता है रहे उस क्रिया का अनुवाद नीड टू में होगा. जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ज़रूरत है या आवश्यकता रहे उस क्रिया का अनुवाद नीड टू में होगा. सभी सब्जेक्ट के साथ नीड टू का प्रयोग किया जाता है. नीड टू का प्रयोग सीखें. अब कुछ एग्जांपल लिए हैं. आई नीड टू लर्न इंग्लिश. आई नीड टू लर्न इंग्लिश. आई नीड नॉट टू लर्न इंग्लिश. डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश एंड वाई डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश. सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली में लिए. सबसे पहले यूज होगा सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. मुझे ये काम करने की ज़रूरत है. ज़रूरत है. आई नीड टू डू दिस वर्क. प्लूरल. हम लोगों को ये काम करने की ज़रूरत है. वी नीड टू डू दिस वर्क. सेकेंड पर्सन. आपको ये काम करने की ज़रूरत है. यू नीड टू डू दिस वर्क. आपको ये काम करने की ज़रूरत है. यू नीड टू डू दिस वर्क. आप लोगों को ये काम करने की ज़रूरत है. यू नीड टू डू दिस वर्क. आप लोगों को ये काम करने की ज़रूरत है. यू नीड टू डू दिस वर्क. थर्ड पर्सन. उसे या उसको या राम को ये काम करने की ज़रूरत है. ही शी इट राम नीड टू डू दिस वर्क. उसे या उसको राम को ये काम करने की ज़रूरत है. ही शी इट राम नीड टू डू दिस वर्क. उन लोगों या लड़कों को ये काम करने की ज़रूरत है. दे द बॉयज नीड टू डू दिस वर्क. अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं इस नीड टू से रिलेटेड. मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है. अब ज़रूरत का सेंस आ रहे हैं. आई नीड टू लर्न इंग्लिश. मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है. आई नीड टू लर्न इंग्लिश. हम लोगों को वे काम कल करने की ज़रूरत है. वी नीड टू डू दैट वर्क टुमोरो. हम लोगों को वे काम कल करने की ज़रूरत है. वी नीड टू डू दैट वर्क टुमोरो. थर्ड इज आपको दवाई लेने की ज़रूरत है या आवश्यकता है. यू नीड टू टेक मेडिसिन. आपको दवाई लेने की ज़रूरत है. यू नीड टू टेक मेडिसिन. फोर्थ इज आपको आराम करने की ज़रूरत है. यू नीड टू टेक रेस्ट. आपको आराम करने की ज़रूरत है. यू नीड टू टेक रेस्ट. फिफ्थ इज आप लोगों को व्यायाम करने की ज़रूरत है. यू नीड टू टेक एक्सरसाइज. आप लोगों को व्यायाम करने की ज़रूरत है. यू नीड टू टेक एक्सरसाइज. सिक्स्थ इज आप लोगों को टहलने की ज़रूरत है. यू नीड टू टेक अ वॉक. आप लोगों को टहलने की ज़रूरत है. यू नीड टू टेक अ वॉक. सेवन्थ इज राम को आपसे बात करने की ज़रूरत है.
राम नीड टू टॉक टू यू, राम को आपसे बात करने की ज़रूरत है। राम नीड टू टॉक टू यू। 38, रवि को अभी यहाँ आने की ज़रूरत है। रवि नीड टू कम हेयर नाउ, रवि को अभी यहाँ आने की ज़रूरत है। रवि नीड टू कम हेयर नाउ। 39, उन लोगों को वहाँ पहुँचने की ज़रूरत है। दे नीड टू रीच देयर, उन लोगों को वहाँ पहुँचने की ज़रूरत है। दे नीड टू रीच देयर। 10, उन लोगों को सब्जियाँ खाने की ज़रूरत है। दे नीड टू ईट वेजिटेबल्स, उन लोगों को सब्जियाँ खाने की ज़रूरत है। दे नीड टू ईट वेजिटेबल्स। और निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे नीड टू का सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है। आई नीड नॉट टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है। आई नीड नॉट टू लर्न इंग्लिश। सेकेंड इज, हम लोगों को वे काम कल करने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड नॉट टू डू दैट वर्क टुमोरो, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, देन नीड, देन नॉट। वी नीड नॉट टू डू दैट वर्क टुमोरो। आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू टेक मेडिसिन, आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू टेक मेडिसिन। फोर्थ इज, आपको आराम करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू टेक रेस्ट, आपको आराम करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू टेक रेस्ट। फिफ्थ इज, आप लोगों को व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू टेक एक्सरसाइज, आप लोगों को व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू टेक एक्सरसाइज। सिक्स्थ, आप लोगों को टहलने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू टेक अ वॉक, आप लोगों को टहलने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू टेक अ वॉक। सेवन्थ, सीमा को आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। सीमा नीड नॉट टू टॉक टू यू, सीमा को आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। सीमा नीड नॉट टू टॉक टू यू। रीना को अभी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। रीना नीड नॉट टू कम हेयर, रीना को अभी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। रीना नीड नॉट टू कम हेयर नाउ, उन लोगों को वहाँ पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। दे नीड नॉट टू रीच देयर, वहाँ देयर पहुँचना रीच, दे नीड नॉट टू रीच देयर, दे नीड नॉट टू रीच देयर। उन लोगों को सब्जियाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। दे नीड नॉट टू ईट वेजिटेबल्स, उन लोगों को सब्जियाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। दे नीड नॉट टू ईट वेजिटेबल्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे अब नीड टू का, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी डू या डज, देन सब्जेक्ट यूज़ होगा नीड प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस, क्या मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है? डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है? क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश, डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश। सेकेंड इज, क्या हम लोगों को वह काम कल करने की ज़रूरत है? डू वी नीड टू डू दैट वर्क टुमोरो, क्या हम लोगों को वह काम कल करने की ज़रूरत है? डू वी नीड टू डू दैट वर्क टुमोरो। थर्ड इज, क्या आपको दवाई लेने की ज़रूरत है? Do you need to take medicine? क्या आपको दवाई लेने की ज़रूरत है? Do you need to take medicine? Fourth is, क्या आपको आराम करने की ज़रूरत है? Do you need to take rest? क्या आपको आराम करने की ज़रूरत है? Do you need to take rest? Fifth is, क्या आप लोगों को व्यायाम करने की ज़रूरत है? Do you need to take exercise?
क्या आप लोगों को व्यायाम करने की ज़रूरत है? डू यू नीड टू टेक एक्सरसाइज? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे. डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर नीड, देन नॉट, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सिक्स्थ इज, क्या आप लोगों को टहलने की ज़रूरत नहीं है? डू यू नीड नॉट टू टेक अ वॉक? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, नीड, नीड के साथ नॉट, फिर टू. डू यू नीड नॉट टू टेक अ वॉक? क्या आप लोगों को टहलने की ज़रूरत नहीं है? डू यू नीड नॉट टू टेक अ वॉक? सेवेंथ इज, क्या रीना को आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है? डज रीना नीड नॉट टू टॉक टू यू? क्या रीना को आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है? डज रीना नीड नॉट टू टॉक टू यू? एट्थ इज, क्या सीमा को अभी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है? डज सीमा नीड नॉट टू कम हेयर नाउ? क्या सीमा को अभी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है? डज सीमा नीड नॉट टू कम हेयर नाउ? नाइन्थ इज, क्या उन लोगों को वहाँ पहुँचने की ज़रूरत नहीं है? डू दे नीड नॉट टू रीच देयर? क्या उन लोगों को वहाँ पहुँचने की ज़रूरत नहीं है? डू दे नीड नॉट टू रीच देयर? टेंथ इज, क्या उन लोगों को सब्जियाँ खाने की ज़रूरत नहीं है? डू दे नीड नॉट टू ईट वेजिटेबल्स? क्या उन लोगों को सब्जियाँ खाने की ज़रूरत नहीं है? डू दे नीड नॉट टू ईट वेजिटेबल्स? अब हम WH फैमिली में यूज़ करेंगे नीड टू का. वैन वाई हाउ एक्सेट्रा का प्रयोग, वैन वाई हाउ प्लस डू प्लस डस, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले WH फैमिली, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मुझे अंग्रेजी क्यों सीखने की जरूरत है? वाई डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश? सबसे पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर नीड टू का यूज़ होगा. वाई डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश? अंग्रेजी क्यों सीखने की ज़रूरत नहीं है? वाई डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश? सेकेंड इज, हम लोगों को वे काम कल कब करने की ज़रूरत है? वैन डू वी नीड टू डू दैट वर्क टुमोरो? हम लोगों को वे काम कल कब करने की ज़रूरत है? वैन डू वी नीड टू डू दैट वर्क टुमोरो? थर्ड इज, आपको दवाई क्यों लेने की ज़रूरत है? वाई डू यू नीड टू टेक मेडिसिन? आपको दवाई क्यों लेने की ज़रूरत है? Why do you need to take medicine? Fourth is, आपको आराम कब करने की ज़रूरत है? When do you need to take rest? आपको आराम कब करने की ज़रूरत है? When do you need to take rest? Fifth is, आप लोगों को व्यायाम क्यों करने की ज़रूरत है? Why do you need to take exercise? आप लोगों को व्यायाम क्यों करने की ज़रूरत है? Why do you need to take exercise? अब हम WH फैमिली का सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे नीड टू का. WH फैमिली, when, why, how plus do या does plus subject plus need plus not plus to वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले क्या यूज हुआ फ्रेंड? WH फैमिली, देन हेल्पिंग वर्ब यूज हुई, फिर सब्जेक्ट, नीड प्लस नॉट, नीड के साथ नॉट. आप लोगों को टहलने की ज़रूरत क्यों नहीं है? सबसे पहले WH फैमिली, देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन नीड टू का यूज़. नीड नॉट टू, आप लोगों को टहलने की ज़रूरत क्यों नहीं है? वाई डू यू नीड नॉट टू टेक अ वॉक? आप लोगों को टहलने की ज़रूरत क्यों नहीं है? वाई डू यू नीड नॉट टू टेक अ वॉक? सेवन्थ इज, क्या रीना को आपसे बात करने की ज़रूरत कैसे नहीं है? How does Reena need not to talk to you? Reena को आपसे बात करने की ज़रूरत कैसे नहीं है? How does Reena need not to talk to you? Eighth is, सीमा को अभी यहाँ आने की ज़रूरत क्यों नहीं है? Why does Seema need not to come here now? सीमा को अभी यहाँ आने की ज़रूरत क्यों नहीं है? Why does Seema need not to come here now? नाइन्थ इज, उन लोगों को वहाँ पहुँचने की ज़रूरत कैसे नहीं है?
हाउ डू दे नीड नॉट टू रीच देयर, उन लोगों को वहाँ पहुँचने की ज़रूरत कैसे नहीं है, हाउ डिड दे डू दे नीड नॉट टू रीच देयर। टेंथ इज, उन लोगों को सब्जियाँ खाने की ज़रूरत कैसे नहीं है, हाउ डू दे नीड नॉट टू ईट वेजिटेबल्स, उन लोगों को सब्जियाँ खाने की ज़रूरत कैसे नहीं है, हाउ डू दे नीड नॉट टू ईच वेजिटेबल, हाउ डू दे नीड नॉट टू ईच वेजिटेबल्स। आउट टू इन हिंदी, आउट टू ना चाहिए, आउट टू ना चाहिए, नैतिक बाध्यता का बोध कराने के लिए आउट टू का यूज़ होता है। नॉट, साधारणतः चाहिए के लिए शुड तथा अवश्य चाहिए के लिए मस्ट का प्रयोग करें, चाहिए के लिए शुड तथा अवश्य चाहिए के लिए मस्ट का प्रयोग करें। सेकंड इज, आउट टू का प्रयोग वैसे बाध्यता के लिए होता है जो नैतिक सामाजिक हो ना कि कानूनी। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता का कहना माने, इसके लिए कानूनी बाध्यता नहीं है। अतः इस प्रकार के भाव के लिए आउट टू का प्रयोग होगा। आप चाहें तो आउट टू के बदले शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, आउट का भी प्रयोग कर सकते हैं और शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के भाव के लिए आउट टू का प्रयोग होगा, आप चाहें तो आउट टू के बदले शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल लिए आउट टू का प्रयोग सीखें, जैसे वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी आउट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। थर्ड इज, आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड वाई आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। सभी सब्जेक्ट के साथ आउट का प्रयोग किया जाता है, ही शी इट राम श्याम, ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट प्लस आउट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, मुझे औरतों का सम्मान करना चाहिए, आई आउट टू रिस्पेक्ट वूमेन, हम लोगों को औरतों का सम्मान करना चाहिए, वी आउट टू रिस्पेक्ट वूमेन। सेकंड पर्सन, आपको औरतों का सम्मान करना चाहिए, यू आउट टू रिस्पेक्ट वूमेन, आप लोगों को औरतों का सम्मान करना चाहिए, यू आउट टू रिस्पेक्ट वूमेन। थर्ड पर्सन, उसे या उसको राम को औरतों का सम्मान करना चाहिए, ही शी इट राम आउट टू रिस्पेक्ट वूमेन, उन लोगों या लड़कों को औरतों का सम्मान करना चाहिए, दे द बॉयज आउट टू रिस्पेक्ट वूमेन। अब मैंने कुछ एग्जांपल भी लिए। फर्स्ट सेंटेंस इज, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। सेकेंड इज, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, वी आउट टू ओबे आवर एल्डर्स, ओबे मानना चाहिए, वी आउट टू ओबे आवर एल्डर्स। थर्ड इज, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। आपको दयालु होना चाहिए, यू आउट टू बी काइंड, दयालु काइंड, आपको दयालु होना चाहिए, यू आउट टू बी काइंड। हमें बच्चों से प्यार करना चाहिए, वी आउट टू लव चिल्ड्रन, हमें बच्चों से प्यार करना चाहिए, वी आउट टू लव चिल्ड्रन। सिक्स इज, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। सेवन्थ इज, हमें अपने अतिथियों की सेवा करनी चाहिए, वी आउट टू सर्व आवर गेस्ट्स, अतिथि गेस्ट सेवा सर, वी आउट टू सर्व आवर गेस्ट,
हमें बूढ़े लोगों की सेवा करनी चाहिए। वी आउट टू सर्व द ओल्ड, हमें बूढ़े लोगों की सेवा करनी चाहिए। वी आउट टू सर्व द ओल्ड। 9th इज हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी आउट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी आउट टू हेल्प द पुअर। 10th इज उन्हें साधुओं का सम्मान करना चाहिए। दे आउट टू रिस्पेक्ट सेंट्स, साधु सेंट्स, उन्हें साधुओं का सम्मान करना चाहिए। दे आउट टू रिस्पेक्ट सेंट्स। अब निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे हम आउट टू का। सब्जेक्ट प्लस आउट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज हमें अपने माता पिता का आदर नहीं करना चाहिए। वी आउट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट। वी आउट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का आदर नहीं करना चाहिए। वी आउट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। सेकेंड इज हमें अपने बड़ों का कहना नहीं मानना चाहिए। वी आउट नॉट टू ओबे आवर एल्डर्स, बड़ों का एल्डर्स, हमें अपने बड़ों को कहना नहीं मानना चाहिए। वी आउट नॉट टू ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर नहीं करना चाहिए। वी आउट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर नहीं करना चाहिए। वी आउट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। फोर्थ इज आपको दयालु नहीं होना चाहिए। वी आउट नॉट टू बी काइंड, आपको दयालु नहीं होना चाहिए। यू आउट नॉट टू बी काइंड भी होना। फिफ्थ इज हमें बच्चों से प्यार नहीं करना चाहिए। वी आउट नॉट टू लव चिल्ड्रन, हमें बच्चों से प्यार नहीं करना चाहिए। वी आउट नॉट टू लव चिल्ड्रन। सिक्स इज हमें अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करना चाहिए। वी आउट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करना चाहिए। वी आउट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। सेवन्थ इज हमें अपने अतिथियों की सेवा नहीं करनी चाहिए। वी आउट नॉट टू सर्व आवर गेस्टिज, वी आउट नॉट टू सर्व आवर गेस्टिज, हमें अपने अतिथियों की सेवा नहीं करनी चाहिए। वी आउट नॉट टू सर्व आवर गेस्टिज। एट्थ इज हमें बूढ़े लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए। वी आउट नॉट टू सर्व द ओल्ड, हमें बूढ़े लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए। वी आउट नॉट टू सर्व द ओल्ड। 9th इज हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। वी आउट नॉट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। वी आउट नॉट टू हेल्प द पुअर। 10th इज उन्हें साधुओं का सम्मान नहीं करना चाहिए। दे आउट नॉट टू रिस्पेक्ट सेंट्स, सम्मान करना रिस्पेक्ट, उन्हें साधुओं का सम्मान नहीं करना चाहिए। दे आउट नॉट टू रिस्पेक्ट सेंट्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे हम आउट टू का। आउट टू प्लस आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, देन सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट सेंटेंस इज क्या हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, क्या हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। सेकेंड इज क्या हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। आउट वी टू ओबे आवर एल्डर्स, क्या हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। आउट वी टू ओबे आवर एल्डर्स। थर्ड इज क्या हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, क्या हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। फोर्थ इज क्या आपको दयालु होना चाहिए। आउट यू टू बी काइंड, क्या आपको दयालु होना चाहिए। आउट यू टू बी काइंड, होना बी। फिफ्थ इज क्या हमें बच्चों से प्यार करना चाहिए। आउट वी टू लव चिल्ड्रन, क्या हमें बच्चों से प्यार करना चाहिए।
आउट वे टू लव चिल्ड्रन। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हमें अपने शिक्षकों को सम्मान नहीं करना चाहिए? आउट वी नॉट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट फिर नॉट। आउट वी नॉट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, क्या हमें अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करना चाहिए? आउट वी नॉट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, क्या हमें अपने अतिथियों की सेवा नहीं करनी चाहिए? आउट वी नॉट टू सर्व आवर गेस्टेस, क्या हम अपने अतिथियों की सेवा नहीं करनी चाहिए? आउट वी नॉट टू सर्व आवर गेस्टेस। एट इज, क्या हमें बूढ़े लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए? आउट वी नॉट टू सर्व द ओल्ड, क्या हमें बूढ़े लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए? आउट वी नॉट टू सर्व द ओल्ड। नाइन्थ इज, क्या हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए? आउट वी नॉट टू हेल्प द पुअर, क्या हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए? आउट वी नॉट टू हेल्प द पुअर, आउट वी नॉट टू हेल्प द पुअर, क्या उन्हें साधुओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? आउट दे नॉट टू रिस्पेक्ट सेंट्स, क्या उन्हें साधुओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? आउट दे नॉट टू रिस्पेक्ट सेंट्स, हम WH फैमिली में यूज़ करेंगे आउट टू का। वैन वाई हाउ एक्सेट्रा का प्रयोग, वैन वा हाउ प्लस आउट टू प्लस आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले WH फैमिली देन हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज, हमें अपने माता पिता का आदर क्यों करना चाहिए? वाई आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, सबसे पहले WH फैमिली देन हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, हमें अपने माता पिता का आदर क्यों करना चाहिए? वाई आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। सेकेंड इज, हमें अपने बड़ों का कहना कब मानना चाहिए? वैन आउट वी टू ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का कहना कब मानना चाहिए? वैन आउट वी टू ओबे आवर एल्डर्स। थर्ड इज, हमें अपने बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए? हाउ आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए? हाउ आउट वी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। फोर्थ इज, आपको दयालु क्यों होना चाहिए? वाई आउट यू टू बी काइंड, आपको दयालु क्यों होना चाहिए? वाई आउट यू टू बी काइंड। फिफ्थ इज, हमें बच्चों से प्यार कैसे करना चाहिए? हाउ आउट वी टू लव चिल्ड्रन, हमें बच्चों से प्यार कैसे करना चाहिए? हाउ आउट वी टू लव चिल्ड्रंस, और हम WH फैमिली में आउट टू का निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। वैन वाई हाउ प्लस आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले WH फैमिली देन हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट इसके बाद नॉट। सेंटेंस, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए? वाई आउट वी नॉट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, सबसे पहले WH फैमिली देन हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट एंड नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए? वाई आउट वी नॉट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने अतिथियों की सेवा कैसे नहीं करनी चाहिए? हाउ आउट वी नॉट टू सर्व आवर गेस्टेस, हमें अपने अतिथियों की सेवा कैसे नहीं करनी चाहिए? हाउ आउट वी नॉट टू सर्व आवर गेस्टेस, हमें बूढ़े लोगों की सेवा कैसे नहीं करनी चाहिए? हाउ आउट वी नॉट टू सर्व द ओल्ड, हमें बूढ़े लोगों की सेवा कैसे नहीं करनी चाहिए? हाउ आउट वी नॉट टू सर्व द ओल्ड, हमें गरीबों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? वाई आउट वी नॉट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? वाई आउट वी नॉट टू हेल्प द पुअर। टेंथ इज, उन्हें साधुओं का सम्मान कब नहीं करना चाहिए? वैन आउट दे नॉट टू रिस्पेक्ट सेंट्स,
उन्हें साधुओं का सम्मान कब नहीं करना चाहिए? When ought they not to respect saints? उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर लिखकर बताना। इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अपने फ्रेंड्सों को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।